हेलो बच्चों, आज हम आजीविका के भाग तीन पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम शहरी आजीविका पे चर्चा को जारी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं शहरी आजीविका से। हम बात कर रहे हैं शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं की। बच्चों, कुछ आजीविका के बारे में हम पहले ही पाठ दो में चर्चा कर चुके हैं, तो आगे की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे पेशेवर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारे शहरों में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मी, डाकिया एवं बीमा कर्मी जैसे पेशेवरों की संख्या काफी मात्रा में मिलती है। ये लोग जो हैं, अपने अपने तरीके से समाज में सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक पढ़ाने का काम करता है। वहीं पे डॉक्टर लोग लोगों की बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं या उनका इलाज करते हैं। वकील लोगों को कानूनी सलाह देते हैं, तो डाकिया चिट्ठी या अन्य पत्र को लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि आज के दौर में डाकियों के काम में कमी आई है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से इतनी अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं कि हमारा डाकिया का जो काम होता है वो आधा से ज्यादा हमारे मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए ही हो जाता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि अभी डाकियों का काम बंद हो गया है, क्योंकि आज भी कोई भी सरकारी दस्तावेज डाकियों के थ्रू ही हम तक पहुंचाई जाती है। बीमा कर्मी जो होते हैं, वो अपनी कंपनी के द्वारा जारी सभी बीमाओं के बारे में लोगों को बताते हैं तथा उन्हें बीमा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, शहरी समुदाय में शिक्षक, डॉक्टर तथा वकील जैसे पेशेवर या तो कहीं स्थायी वेतन नियोजित होते हैं या स्वयं नियोजित होते हैं, अर्थात सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता होगा कि आपके शहरों में बैंकों की कई शाखाएं हैं। इनमें जो कार्यरत बैंक कर्मी होते हैं, वे विभिन्न तरीकों से हमारी मदद करते हैं, जैसे कि बैंकों में रुपए जमा करने में, रुपए निकालने में तथा जरूरतमंदों को ऋण देने में भी। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरे जगह रुपए भेजने का काम में हमें बैंक कर्मी मदद करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहरी आजीविका पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं की। अब हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। बच्चों, शहरों में रहने वाले लोग में नौकरी पेशा लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ये लोग या तो फैक्ट्रियों में या कार्यालयों में या बड़ी बड़ी दुकानों आदि में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ लोगों की नौकरी स्थायी होती है तो कुछ लोगों की अस्थायी। बच्चों, जिन कर्मचारियों की नौकरी स्थायी होती है, उन्हें वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं जैसे सप्ताह में एक या दो दिन एवं त्योहार के समय छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, भविष्य के लिए बचत की सुविधा और कार्य करने का एक निश्चित समय जैसा सुविधा दिया जाता है। वहीं पे अस्थायी कर्मचारी को वेतन के अलावा लगभग नामात्र की सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी नौकरी सुरक्षित भी नहीं होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहरी आजीविका पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविका पे। अब हम चर्चा करेंगे अनियमित मजदूर पे। बच्चों, आपने अपने शहर में जरूर देखा होगा कि शहर का जो चौक चौराहा होता है, वहां ज्यादातर सुबह के समय
बहुत सारी महिलाएं एवं पुरुष हाथों में कुदाल गैता लेके समूहों में बैठे होते हैं या सड़क के किनारे खड़े होते हैं। इस प्रकार के मजदूर को दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, अर्थात इनको डेली बेसिस पे या रोज वेतन दिया जाता है। जैसे आज अगर ये काम करेंगे तो इन्हें आज ही वेतन दे दिया जाएगा। इनमें से कुछ मजदूर जो हैं, वो मकानों के बनाने में मजदूरी करते हैं, तो कुछ जो हैं बोझा ढोने में, कुछ ट्रकों और ट्रैक्टरों में सामान चढ़ाने और उतारने में, तो कुछ पानी की पाइप और टेलीफोन की लाइन की खुदाई करने जैसा कार्य करते हैं। ये सभी मजदूर जो हैं, रोज काम की तलाश में गांव से शहरों में आते हैं, जहां काम करवाने वाले लोग मजदूरी की दर तय करने के बाद इन्हें काम पर ले जाते हैं और काम खत्म होने के बाद इन्हें मजदूरी दे देते हैं। बच्चों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मजदूरों को कोई काम उस दिन नहीं मिल पाता और उन्हें खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है, तो सोचिए उनकी आजीविका कैसे चलती होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहरी आजीविका पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं पे, तो अब हम बात करेंगे वाहन चालक पे। बच्चों, शहरों में कई लोग बड़ी एवं छोटी वाहनों के चालक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और अपनी आजीविका के लिए पैसे कमाते हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास तो अपनी वाहन होती है और कुछ लोग किराए पे वाहन को लेके चलाते हैं। कुछ लोग जो है वो मासिक वेतन पे नियोजित होते हैं, जबकि कुछ इनमें से दैनिक मजदूरी पे वाहन चलाते हैं। बच्चों, हमारे शहर में इन रिक्शा चालकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और खास तौर से जो हाथ से रिक्शा खींचते हैं उनकी स्थिति तो और भी दयनीय होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहरी आजीविका को जारी रखते हुए अब हम शहरों में विभिन्न प्रकार की आजीविका पे चर्चा करते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कॉल सेंटर, रोजगार का उभरता क्षेत्र। बच्चों, नगरों एवं महानगरों में कॉल सेंटर जो है वो रोजगार के एक नए क्षेत्र की तरह उभर रहा है। अगर हम इसकी बनावट पे देखें तो यह एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है, जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा वो जो भी प्रश्न पूछे या जो भी उनकी शंका होती है उसे दूर किया जाता है। यहाँ तक कि विदेशी कंपनी भी भारत के महानगरों में बहुत सारे कॉल सेंटर खोल रहे हैं, जिसके कारण ये रोजगार का एक नया स्रोत के रूप में उभर रहा है। इसमें रोजगार प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पर्सन को या व्यक्ति को इंग्लिश आना अनिवार्य होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की शहरी आजीविका पे, जिसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।